बीच सड़क पर कोचिंग से लौट रही छात्रा की गर्दन पर युवक ने किया वार। गंभीर हालत में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। आरोपी की तलाश में पुलिस दे रही दबिश। एक युवक ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही छात्रा को मिशन चौराहे पर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। लोगों की मदद से गंभीर हालत में छात्रा को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं घायल छात्रा के परिजनों द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के नई बस्ती चौकी क्षेत्र स्थित मिशन गेट के सामने देर शाम कोचिंग जा रही छात्रा पर एक युवक ने चाकू से गले पर वार कर दिया। पीड़िता को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही छात्रा के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। ट्यूशन गई थी कोचिंग, रास्ते में उसे दानिश नाम का लड़का चाकू से मारने से जान से मारने की कोशिश किया। फिर वो तो अचानक कोई लड़की आ गई, फिर उसने बचाया। तब सर के पास गए, सर वहाँ पे छोड़ के बस भाग गए अस्पताल के सामने। दानिश कौन है, कब से जानते हैं आपको, क्या हुआ था? सर वो 2 साल से परेशान करता था। उसके बाद 3 महीना पहले उसके घर पे हम गए थे, समझाए आए थे, तो माफ़ी भी मांग लिया था कि आज के बाद से हम बात नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। उसकी मम्मी भी पैर पर रही थी। फिर उसके बाद आज जो घटना हुआ, चाकू मार दिया। कितने बार है चेहरे पे, कहाँ का चोट लगी है? बहुत ज़्यादा लगा है, पीछे पूरा गला कटा हुआ है, दो निशान लगी है, लंबे लंबे निशान है। पूरा आगे का गला पूरा यहाँ पे कटा हुआ है और फिर यहाँ पे कटी है, फिर रोड पे कटा है पूरा। कभी कोई शिकायत थी पुलिस के पास में आप लोगों ने? कभी नहीं, पहले हम शिकायत करेंगे, शिकायत करेंगे तो माफ़ी भी मांग ली। उसकी मम्मी कहाँ, बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसकी वजह से हमने तो समझा दिया, तो कहा था अब नहीं हम परेशान करेंगे। कब समझाया था आपने? 3 महीना पहले। आज आपकी बेटी का नाम क्या है? नंदिनी वर्मा। अच्छा, आज क्या हुआ था, आज आप क्या मालूम पड़ा बाद में? बाद में मालूम पड़ा कि वो रास्ते में चाकू मार दिया। किस जगह चाकू चलाई? मिशन के पास। कौन है, कहाँ का रहने वाला है? करारी के रहने वाला। दानिश खान है? हाँ, दानिश खान। संग कोई और था उसके घटना स्थल पर? नहीं नहीं, और नहीं कोई था, अकेला था। सिंचाई कार्यशाला की रहने वाली 12वीं छात्रा मिशन कंपाउंड में कोचिंग के लिए जाती है। परिजनों के अनुसार करारी का रहने वाला एक युवक आए दिन उसे परेशान करता था। उसको लेकर कई बार समझाइश भी की गई। रास्ते में उसने छात्रा को रोककर कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह उसका विरोध करती रही, जिसके चलते सोमवार की शाम करारी के रहने वाले दानिश ने छात्रा की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। वह उसे जान से मार डालना चाहता था। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश देती रही। पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।